दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। घर पे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर खेले। तो हेलो दोस्तों, मैं आरजे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज आप लोगों को ऐसे सक्सेस से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने फिलहाल लेटेस्ट बिग केस में 10 लाख रुपए की प्राइस जीती है और मेरे भाई सब्सक्राइबर है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि कोई मेरा सब्सक्राइबर भाई विन किया है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करना, भाई उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हो गया है। तो आज मैं उनके साथ पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, उनका पूरा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई चलिए उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसे विन किया और कितना टाइम लगा, उनका पैसा वैसे कैसे मिला है नहीं मिला है। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है, पेमेंट देती ही नहीं देती। तो पूरा प्रूफ के साथ बात करेंगे और किस तरह से विन विन पैसा किया, उनको कितना पैसा मिला और कितना उनका टैक्स वैक्स कटा है, सब बात करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो भाई जो है वो पहले उनका परिचय लेते हैं। तो भाई लाइन पे हैं तो उनसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। भाई अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और कहाँ से हो आप? सर मैं ओपनिंग करता हूँ और मेरा नाम है। अच्छा साथा भाई आप, हाँ तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जब विन की हो तो कब विन की हो, क्योंकि सब सब्सक्राइब जानना चाहते हैं कि आप जो लॉटरी विन की हो वो दिखा रहा है बिग केस के अंदर लेकिन किसको मिला है अभी तक किसी को पता नहीं। तो आप पहली बार कैमरे के सामने आए हो और काफ़ी टाइम मैंने आपसे बातचीत करने के ट्राई किया लेकिन आप तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अभी आप तैयार हो तो बताइए आप कहाँ से हो। जो आप वेस्ट बंगाल से हो ठीक है समझ गया, बट आप विन पैसा किए हो कितना तारीख को किए हो? सर मुझे जो ये लॉटरी लगी है, ये लॉटरी लगी है 9 अगस्त से, ठीक है। अच्छा 9 अगस्त से मुझे लॉटरी लगी है, मैं गेम खेल रहा था तो 250 के पहले भी मैं गेम खेल रहा था। गेम खेलने के बाद उसका जो टारगेट होता है ना जिस नंबर में, एक महीने का जो चेस्ट था तो उसमें 250 के पहले भी खेल रहा था तो उसमें गेम अगर वो सक्सेस करोगे तो आपको चेस्ट मिलेगा। तो मैं ऐसे खेल रहा था, खेलने खेलने के बाद मुझे चेस्ट मिला। अच्छा कंपनी की तरफ से कॉल आया था, फिर उन्होंने आपका पैसा कितने टाइम में आपको वॉलेट में दे दिया और अभी आप कितना विड्रॉल कर चुके हो? कंपनी वाले ने मुझे 7 दिन के अंदर पैसा दे दिया था। अच्छा और मैं अभी 6 लाख विड्रो कर ले हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो 88,000 रुपया है वो बाकी है, मैं 6 लाख रुपया। अच्छा आपको हर दिन 50,000 विड्रॉल करने की लिमिट मिलती है, उससे आप पूरा 50,000 करके विड्रॉल कर रहे हो? हाँ। अच्छा मैं हर दिन मैं 50,000 करके विड्रॉल कर रहा। अच्छा आप लीडर बोर्ड में अभी दिख रहे हो, बहुत सारा आप गेम भी प्ले कर रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका गेम खेलने का भी? आप कितने टाइम से बिग केस एप्लीकेशन पे मतलब गेम खेल रहे हो? 2 साल से मैं बिजनेस गेम खेल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में मैं बहुत बार जीता भी हूँ। बिजनेस में अभी तक मैंने ज्यादा पैसा हारा नहीं हूँ, क्योंकि वो गेम ऐसा है अगर आप ध्यान से खेलोगे तो आपको पैसा मिल सकता है। अगर आप तो दिमाग को गर्म करोगे, अगर बिना सोचे खेलोगे तो आपको पैसा हार सकते हैं। जो खिलाड़ी वाले है ना, उस खिलाड़ी वाले को जो खिलाड़ी वाला है उस खिलाड़ी वाले को पहले समझना चाहिए, उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से खेलना है तो आप पैसा ऐसे ही दे सकते। मतलब जिस प्लेयर के सामने आप खेले उसका मतलब माइंड को समझना चाहिए, वो किस टाइप से खेला उसके बाद ही आपको अपनी चाल को। मेरा जो दोस्त है वो दोस्त कहते हैं कि ये जो गेम चल रहा है ना, ये गेम में पूरा का पूरा कंपनी का हाथ है, ये अगर चाहेंगे तो तुझे कार्ड अच्छी देगी, अगर ये नहीं देगी तुझे कार्ड अच्छी नहीं देगी, ऐसी कोई बात नहीं। पहले जो विकेट में जो गेम है उसमें कार्ड सभी को मिलता है, अच्छे कार्ड मिलता है बुरा कार्ड मिलता है, लेकिन खेलना आपको है तो आपको ध्यान से खेलना है। अगर आप ध्यान से खेलोगे तो पैसा जीत सकते हो, अगर आप ध्यान से नहीं खेलोगे तो पैसा हार सकते हो, कंपनी का कोई दोष नहीं। और इसमें और एक बात है कि कंपनी आप जब पैसा जीतोगे तभी आपको कंपनी को टैक्स काट रहा है, कंपनी को क्या दिक्कत है, आप पैसा जीतोगे कंपनी को क्या जाएगा? सही सही। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऐसा नहीं है कि कंपनी वालों कार्ड अच्छा नहीं दे रही है, कंपनी वाले कार्ड बहुत बुरा दे रहा है, ऐसा नहीं है। आप जैसा चलोगे आप ऐसा पैसा जीतोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आप कैसे चलोगे। नहीं जैसे कि कंपनी में लिखा भी आ रहा है, बताया भी जा रहा है कि ये जो लॉटरी वाला सिस्टम है एकदम फ्री है, यहाँ पर आपको कोई अलग से एंट्री फीस नहीं देनी होती है, आप रेगुलर गेम खेल रहे हो वैसे ही गेम खेलिए और आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है और स्क्रैच कर लीजिए आपको विन हो जाते हैं। तो जहाँ तक आपने कोई एक्स्ट्रा एंट्री फीस तो कहीं दी नहीं ना, जब आप गेम प्ले किए हो आपको पैसे मिल गए?
हाँ ये बिल्कुल सही है कि ये गेम को खेलने के लिए मुझे एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, मैं पैसा गेम नहीं उसका वो तो समझ गए, लेकिन जो लॉटरी वाला जो कूपन मिलता है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करता, आप रेगुलर जैसे गेम खेल लो किसी प्लेटफॉर्म पर। हाँ नहीं नहीं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं देना पड़ता, मैं गेम खेलता हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं गेम खेलता हूँ, गेम खेलने के बाद वो चेस्टर जब आप लोगों के टारगेट है वो टारगेट पूरा आ जाएगा तो आपको चेस्टर मिलेगा, उस चेस्टर को मिलने के बाद किसी को 50,000 रुपया, किसी को 1 लाख, किसी को 10 लाख, मुझे लगता है कि 10 लाख मिला है, ऐसा नहीं है कि ये 10 लाख मिलने के बाद मुझे पैसा देना पड़ा, कुछ भी नहीं देना पड़ा, बिल्कुल फ्री है, सबके लिए फ्री। अच्छा जैसे कि आप 10 लाख रुपए को, हाँ तो 10 लाख रुपए आप जीते हो तो इसको अभी क्या करने वाले हो, आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, या आपका कोई सपना था आप दस? हाँ जी मेरा सपना था क्योंकि अभी 1 साल हुआ है मेरी बेटी गुजर गई है तो मैं अकेला पड़ गया था, क्या करूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा, जितने की मैं बाजार में काम करता हूँ दूसरे दुकान में, ठीक है, तो उसमें मुझे महीने में 5,000 रुपए मिलता है, तो मेरा सपना था कि उस दुकान में मैं सब कुछ मैं करता हूँ, माल भी मैं आता हूँ, इतना पैसा मुझे कहा है इतना पैसा एक सबको नहीं देगा ना, इसमें सपना था नहीं होता, चलो मैं सपना आपका धीरे धीरे भूल गया था, ठीक है, क्योंकि मेरी डैडी 1 साल हो गई है गुजर गई है तो मैं सपना भी मैंने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब मैं डिजिटल गेम ऐसे ही मैंने हर दिन में डिजिटल गेम में खेलता हूँ, तो खेलने के बाद मेरी लाख से जो मुझे ऐसा मिल गया तो अभी इस पैसे को मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मेरा जो सपना है मेरी डैडी का जो सपना है वो सक्सेस कर लिया। मतलब आप जिस कपड़े दुकान पे काम कर रहे हो उसका आपको पूरा बिजनेस का आइडिया, बट आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप बिजनेस नहीं कर रहे, अभी आप अपना बिजनेस खड़ा करेंगे खुद का और खुद का दुकान लगाएंगे? मैं अभी मेरा जो डैडी का जो सपना था, मेरा जो सपना है, वो सपना तो मैं साथ करूंगा, और मैं दुआ रखता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरा जो सपना है वो सपना साथ हो जाए, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगा, 2 साल से 3 साल के अंदर मैं मेरा दुकान चालू कर दूंगा, उसे अच्छी तरह से आपको अच्छा लगा तो आप अपना सपना पूरा कीजिए, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाई उनको आप क्या कहना चाहोगे कि जो गेम प्ले कर रहे हैं, आपने जो गेम प्ले किया वो आप बोले 250 के टेबल पे किया था, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप 10 रुपए के टेबल पे खेल रहे हो या 20,000 के टेबल पे, किसी भी टेबल पे खेल रहे हो आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है तो आप किसी भी भाई का लग सकता है। वो जो क्रिकेट वाला का जो गेम है उसमें चेस्टर बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपए ट्रेनिंग में खेलोगे तो आपको बड़ा चेस्टर मिलेगा, आप 2 रुपया ट्रेनिंग में खेलोगे तो आपको थोड़ा कर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो क्रिकेट वाले चेस्टर दे सकते हैं, ठीक है, आप घर में भी खेलो अगर आपको कैप्चर मिलेगा, ठीक है, वो टारगेट पूरा वो कैप्चर मिलेगा, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पैसा मिलेगा। मेरी एक जो अगले मूवी की जो टिकट लॉटरी थी एक को 1 लाख रुपए मिला है, उसका नाम है एंग देखी है, वो सेकंड प्राइज मिला है, मुझे 10 लाख मिला है, तो 2 दिन या 3 दिन के अंदर उसको पैसा आ गया था, मेरा पैसा 5 दिन के अंदर आ गया, तो ज्यादा अमाउंट था इसलिए आपका टाइम ज्यादा लगा ना। हाँ, ज़्यादा होने से तो एक और क्वेश्चन है आपका, टैक्स कितना कटा आपको, टैक्स कट के टोटल आपके वॉलेट में कितना बैलेंस आया? वॉलेट के अंदर मिल गया, जो गवर्नमेंट टैक्स था वो तो सबका कटता, कोई बात नहीं है, तो पैसा आपको मिल जाएगा, आपने विड्रॉल कर लिया तो एकदम तरफ पैसे मिलने में टाइम लगा, तो क्या आपको कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आया, आपको बुलाया गया कंपनी में या फिर कंपनी आपको बुलाना चाहती थी, फिर वो क्या आपने मुझे पहले बताया था उसके बारे में बताइए, क्या क्या मतलब हुआ था आपके? वो जो बात है कि जब मुझे पैसा मिला था तो पैसे मिलने के बाद मुझे कंपनी वाले ने फोन किया था, मतलब 24 घंटे के बाद फोन किया था, तो उसने बोला था कि आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, तो आप एक काम करो, आप हमारे घर में आ जाओ, मैं फ्लाइट का भी टिकट करवा देता हूँ, साथ में किसी को अगर लाना चाहते हो उसका भी मैं टिकट करवा देता हूँ, आप उधर में आ जाओ, आपका जो चेक है वो चेक मैं रेडी कर सकता हूँ और आप उधर मुझे ले जाओ। तो भाई मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो डैडी नहीं है, घर में मामू है और अम्मा है, तो इसलिए मैं डर रहा था कि अगर इतना रुक जाऊंगा अगर कुछ हो जाएगा, ऐसे इस तरह से मतलब वो सोच रहा था, इसलिए मैंने ऊपर वाले को बोला कि मैं नहीं दे सकता सर, आपको अगर पैसा देनी है तो आप मेरी गेम की वाले में पैसा दे दीजिए, बोला तो मुझे डर रहा था, ठीक है, तो ऊपर वाले ने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, तो मैं
मेरा जो घर वाले की मेरी मम्मी है वो मम्मी बोल रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुझे कम कर, तू जैसे भी है ऐसे ही रहे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुझे पैसा इधर में लेकर घर में रखी हुए तो तू पैसा ले, अगर पैसा तुझे ये कहीं से जाना पड़ेगा तो तू पैसा छोड़ दे। मेरी मम्मी ऐसा बोलते, मैंने कहा पैसा तुझे छोड़ दूंगा, तो छोड़ दिया। उसके बाद कंपनी वाले को दो दिन के बाद फोन आया। उसके बाद कंपनी वाले बोला, हेलो सर ठीक है, मैं आपकी वॉलेट में पैसा दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आपका जो फोटो है एक फोटो दीजिए, अभी का फोटो और जो आपका फेस फोटो है अभी पूरा है वो फेस फोटो एक दे दीजिए। तो वास्तव में तो कंपनी वाले ने फोन किया, उसके बाद मेरा फोटो दिया है, एक अभी का फोटो दिया और जो पहले बहुत ही अच्छी तरह से फोटो था वो फोटो को भेज दिया। कंपनी ने बोला कि आपसे जो गेम है उस गेम से जितना 10 लाख रुपए आप गेम हुए हो उसको फ्री कर दो। तो मैंने उसको कूपन लेकर वास्तव में कंपनी वाले भेज दिया। कंपनी वाले जैसे भेज दिया तो कंपनी वाले ने बोला, आप एक बार आपका वॉलेट चेक के लिए आपका पैसा ऊपर हो गया। तो मैंने जैसा की अभी तक आप कंपनी वाले होगा रिक्वेस्ट मारिए, उसके बाद आप गेम में घुसिए। फिर रिक्वेस्ट मारने के बाद जब मैं गेम में घुसा तो देखा कि हाँ मुझे पैसा आ गया है 6,87,000, 3,12,000 कंपनी वाले टैक्स कटा है। ठीक है, अच्छा, मतलब आपको पैसा जो पैसा मिलने में टाइम लगा, इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको बुलाना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी, पर आपका घर का परमिशन नहीं मिला, घर की तरफ से, घर वालों की तरफ से आपको परमिशन नहीं मिला। कंपनी वाले का कहना था कि आप इतनी बड़ी रकम किसी हो तो आप एक काम करो, आप हमारे घर में आ जाओ, आपको इंटरव्यू ले लेंगे, मतलब कोई बात नहीं, हम आपको सुरक्षित ले आएंगे, सुरक्षित आपके घर में बैठा देंगे। बात ये हुई की घर वाले डाल रही थी, मतलब कंपनी वाले ने सही किया था, लेकिन मैं अकेला रहता तो मैं चला जाता, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ है, माँ बोलती थी तू मर जा, ऐसे ऐसे बहुत अगर फॉर होगा ये होगा तो तुझे तुझे हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे तो मेरी माँ बोल रही थी, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी में जा बोली मेरी पूरी बात की, मेरी मम्मी मना कर रही है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, आप एक कंप्लीशन अगर आपको देना है तो आप मेरे वाला नहीं देंगे। तो कंपनी वाले ने दो दिन का छोड़ने के लिए 2 दिन टाइम लिया, उसके बाद इसने बोला ठीक है तुम कोई बात नहीं है, तो आने का रास्ता था तो कोई बात नहीं है, ठीक है मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ। तो उसने किया मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, मतलब पैसा आने में जो आपको टाइम लगा वही रीजन था कि आपको कंपनी ने बुलाया और आप नहीं जा पाए, फिर भी आपने आपका पैसा कंपनी ने आपके वॉलेट में दे दिया बाद में। कंपनी वाले को कहना है कि पैसा आपको मिलेगा, कंपनी वाले को कहना है कि पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप घर में आओगे तो आप लोग कुछ इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ फोटो वगैरह ले लेंगे, हम लोग ऐड भी करेंगे। कंपनी वाले को ये कहना था, लेकिन मैं तो यार 23 साल का लड़का हूँ, मतलब डर रहेंगे ना क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, इसलिए मैंने जान नहीं था, लेकिन पैसा आपको मिलेगा, अगर आप जाओगे तो भी पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, कंपनी वाले को पैसा आपको 100% मिलेगा। मतलब हम बात आपकी सारी समझ गए, मतलब कोई भी भाई को कंपनी की तरफ से कॉल आता है, आप बड़ा लॉटरी विन कर रहे हो और कंपनी आपको अपने ऑफिस दिल्ली में या फिर हरियाणा में बुलाना चाहती है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी अपने यूजर्स जो भी इतने यूजर्स है वो विन करते हैं, उनकी इतनी बड़ा अमाउंट, तो उनसे मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। तो यदि आपसे आपके पास कोई भी कॉल आए तो आप जा सकते हो, भाई के घर में परमिशन नहीं मिला और अकेले हैं और थोड़े घर से परमिशन इसलिए जा नहीं पाए, बाकी इनको फ्लाइट का टिकट भी ऑफर हुआ था कि आप फ्लाइट लेके आप आ जाइए, आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप हमारे लकी विनर हैं। तो ये लॉटरी वाला जो ऑप्शन है इसमें आप विनर बनते हो, अभी लॉटरी का नाम बदल के जैकपॉट हो गया है। तो ये थे हमारे साथ सद्दाब घोष जो थे वेस्ट बंगाल से, और इन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई कैसे कैसे विन किया और कौन सी टेबल पे खेल रहे थे। कई जिनकी थोड़ी हिंदी वीक है तो इनकी शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये 250 के टेबल में खेल रहे थे, तो अचानक से इनका जब टारगेट पूरा हुआ तो इनको स्क्रैच कूपन मिला और स्क्रैच करने पर इनको 10 लाख रुपये लॉटरी विन हुई। तो थोड़ा पैसा मिलने में इनको वेट हुई, वो भी मैंने स्टोरी आपको बता दी, क्योंकि कंपनी ने इनको ऑफर किया था कि आप हमारे पास आ जाइए, यहाँ से आप चेक मिल जाएगा और आपको आपसे मिलना भी चाहते, कोई कंपनी किसी को 10 लाख रुपये लॉटरी प्राइज उससे मिलना भी चाहती। तो गाइस कंपनी ने प्राय ऑफर किया था, बट इनके घर में इनके फादर नहीं है और इनकी मदर और दादी जी है शायद, इन्होंने घर में इनकी सहमति नहीं बनी इसलिए वो नहीं जा पाए। फिर बाद में कंपनी ने इनके वॉलेट में पैसे ऐड कर दिए। इन्होंने पूरी स्टोरी मुझे बताई, और भी आपकी कोई क्योरी हो तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कोई भी सवाल हो तो आपका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बिग केस के रिलेटेड बहुत ही अच्छे से अच्छे जो भी अपडेट होगा, कोई भी जानकारी को मैं देने की सबसे पहले कोशिश करूँगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और भाई आप कोई विनर बने हैं 50,000, 1,00,000, तो भाई एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, आपका भी मैं वीडियो क्रिएट करके YouTube पे अपना डालने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर देना। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।